बहुत अच्छा लगा वहां मैंने कई बच्चों से पूछा कि आप क्या बनना चाहती हो तो किसी ने कहा आईएएस किसी ने कहा आईपीएस किसी ने कहा डॉक्टर किसी ने कहा बहुत अच्छा लगा और कि हमारी बच्चियां इतनी तरक्की कर रही हैं मेरी जिंदगी में मेरे दिल में टीचर्स का एक मकाम है शायद हम जो जनरेशन है हमारी जो परवरिश हुई है वो उसी माहौल में हुई है कि इतना टीचर्स रूल उस वाले ज्यादा सा अगर टीचर्स वाज प्रत टीचर्स वाज आसम क्लासेस में कनक का बच्चे फेवरेट होते 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 थे कोई किसी क्लास में कोई किसी सब्जेक्ट में और टीचर स्टूडेंट का रिश्ता बहुत नजदीक का होता था अगर बच्चे साहिया थोड़ा सा तक उम्मीद है कि यहां जो टीचर उस्ताद साहिबान बैठे हैं कि वो कोशिश करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमारे कश्मीर में बड़े जख्म लगे हुए हैं ऑलरेडी हम ज़हनी तौर पे बहुत मुंतशिर हैं हर इंसान जो है ज़हनी तौर पे बहुत ही तकलीफ में है हमारा माहौल हमारी तकलीफ हमारी हिस्ट्री हमारी ज्योग्राफी सब कुछ उसमें शामिल है इसलिए मेरी गुजारिश है ये जो टीचर साहिबान यहाँ आज बैठे हुए हैं यहाँ पर ये तो अच्छा है आपके लिए ये जो है टीचर उस्ताद घर बन गए इससे आपको सहूलियत होगी और दूसरा ऑडिटोरियम मुझे उम्मीद है कि यहाँ जो इस पे काम हाउसिंग बोर्ड कर रहा है वो जल्द अज जल्द इसको मुकम्मल करेगा ताकि इसको आप बरोकार काम में ला सके यहाँ ट्रेनिंग दे सके मगर मेरी आपसे गुजारिश है कि आपको बच्चों को कभी वो कहते हैं ना जख्मों पे मरहम असली हीलिंग टच जिसकी जरूरत है आज टीचर्स विल हैव टू बी द पेरेंट्स नाउ पहले तो कहते थे कि पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है पर मुझे लगता है आजकल के वक्त में आप लोगों का रोल है आपको टीचिंग के साथ साथ यू विल आल्सो हैव टू डू द पेरेंटिंग ऑफ द किड्स और ये आपकी जिम्मेवारी है पहले मुझे लगता है अल्लाह ताला की उसके बाद आपकी जिम्मेवारी है मैं आप सब लोगों को मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि पिछले 2-3 महीने जो यहाँ एक माहौल चला उसमें आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया बहुत साथ दिया और बच्चों ने भी बच्चे उन्होंने भी वक्त पे आके इस बात को समझा कि वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए आफ्टर ऑल पढ़ेंगे लिखेंगे कुछ बनेंगे और मुझे उम्मीद है कि अल्ताफ़ बुखारी साहब जिस तरह इन्होंने सब कुछ संभाला है खेल कूद को भी आप काफ़ी जो है उसको तरजीह देंगे मेरा ये मानना है कि तालीम और खेल कूद बराबर हैं क्योंकि एक आपकी जहनी नशोनुमा के लिए ज़रूरी है दूसरी आपकी जिस्मानी नशोनुमा के लिए ज़रूरी है तो जब दोनों का कॉम्बिनेशन होगा बहुत अच्छा होगा मुझे उम्मीद है कि आप इंटर स्कूल इंटर डिस्ट्रिक्ट इंटर स्टेट कॉम्पिटिशन्स करवाएंगे चाहे ड्राइंग हो म्यूजिक हो बच्चों को म्यूजिक का भी शौक होता है खेल कूद का भी शौक होता है बैडमिंटन है फुटबॉल है बास्केटबॉल है जो भी मैं देख रही थी हमारी क्रिकेट टीम बहुत अच्छा खेल रही है इंडिया की तो हमारी बच्चियाँ भी यहाँ खेल सकती हैं कूद सकती हैं और ये जो टीचर्स हमारे हैं मैं फिर से आप सब लोगों की बहुत शुक्रगुजार हूँ